मुझे तो लगता है मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ, सारे ना आगे को आ जाएंगे, पता नहीं आगे को कैसे आ जाते हैं, इंसान पीछे को बैठता है इनके कवर आगे को आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, मुझे भी देते रहते हैं। ये क्या है ये बोलो? संपत्ति और गणपति। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? हम सभी बहुत बढ़िया हैं। गुड इवनिंग भी नहीं हुई है, अभी तो 4:30 हो रहे हैं, तो गुड आफ्टरनून हो रहा है अभी। और अभी हम बैठे हुए हैं और ये खा रहे हैं, और इसको क्या कहते हैं? मीहू इसको बोलती है संपत्ति और दूसरा नाम है गणपति। पूछ रही है कि मम्मा बताओ इसको बोलते क्या है फिर, तो ना बच्चों के मुँह से बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें। तो कोई बात नहीं, बाद में तो सीख ही जाएगी, लेकिन मैं इसे नहीं सिखा रही हूँ। ये मैं कह रही हूँ ठीक है, जो आप बोल रहे हो ये वही है, ये संपत्ति भी है और ये गणपति भी है। ये देखो अभी ट्यूशन से आए हैं और इनकी लड़ाई लग जाएगी किसी को। हेलो भाई। और ये आते ही बस लड़ना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और ट्यूशन जाती हूँ, ट्यूशन जाने से के टाइम पे इनको पहले से ही मुझे बोल देंगे कि पैसे लेके आना, और ये मैडम जी बोलेंगी कि मम्मी पैसे लेके चलो। अब वो बोलेगा मम्मा शाम का हो गया ना तो पैसे लेके आना, इन्हें चीज़ चाहिए। क्या चीज़ लाए हो? जैम, बस थोड़ी सी। दिखाओ, ये देखो जैम्स। हनी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था गिटार लाने के लिए, अपने पापा के पीछे पड़ गया लेके आओ लेके आओ लेके आओ, तो फिर फाइनली इसके पापा ले ही आए गिटार। और उस दिन पियानो बजा रहा था, पियानो मतलब यूट्यूब से इसने काफ़ी सीख लिया था, और मैंने बोला भी कि बेटा आपको आ रहा है आप सीख लो इससे, लेकिन पता नहीं इसका ध्यान कैसे गिटार की तरफ भाग गया। ये नहीं हुआ था, ये हुआ था मम्मी बार बार मना कर रही थी और पापा सरप्राइज देकर लाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओहो तो जिद तो कर रहा था ना, तो मंगा तो रहा था ना, तो भाई ये तो मंगा रहा था जबरदस्ती, मैं तो मना कर रही थी मेरी क्या जरूरत है, बच्चे तो मांगते रहेंगे कभी कुछ कभी कुछ। पियानो है, पियानो बजा अच्छा बजा रहा था, भाई सीख लिया उसको, अब गिटार में लग गया। पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, मुझे भी देते रहते हैं। जैसे ये जाते हैं मैं घर को इतना साफ सुथरा बना देती हूँ ना, नहीं फिर आते हैं और ये देखो यहाँ पे ये टेबल का ये किया है, वहाँ उस टेबल का ऐसा हाल किया और इसका है। आप बताओ ये म्यूजिक है या ये शोर? यार क्यों मेरे पीछे पड़ रहती है, कभी तो छोड़ दिया कर, ये ऐसे चिपकी रहती है लड़की मुझसे ना, क्या ये लड़की तभी तो गंदी इतनी चिपकती है, किसके बच्चे चिपकते हैं इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा चिपकती है, बहुत ज्यादा। कमेंट में बताओ इतना चेप बच्चा किसका होगा? आपका होगा ना? मेरा ही है। बहुत चेप है ये, बहुत चेप है, बहुत ज्यादा। आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ कचरी पापड़, जो भी होता है कचरी पापड़, क्या बोलते हैं इसको, कचरी बोलते हैं पापड़ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। चलो मैं ये बनाने वाली हूँ, और इन बच्चों ने इतना शोर कर दिया, इतना शोर कर दिया ना, दिमाग खराब कर दिया, देखो इतना शोर कर रहे हैं। डब्बे ले लिए हैं बस बजाने पे, गिलास ले लिया, पेंसिल ले ली, गिटार सब बजाने। तो फ्राइडे का ना जो इवनिंग होती है ना वो ऐसे ही होती है, क्योंकि बच्चों के मन में ना बहुत खुशी होती है कि 2 दिन छुट्टी होने वाली है ना, तो इतना शोर मचा रहे, इतना शोर मचा रहे, मैं बोल रही हूँ बीच वाले रूम में चले जाओ, लेकिन नहीं, इनको मस्ती चढ़ी हुई है छुट्टी की, कि 2 दिन की छुट्टी है बस। सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ गए और बजा रहे थे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचड़ी पापड़, जो भी होता है वो बना रही हूँ, और साथ में बना रही हूँ चाय। लड़ाई नहीं करो। तो जी ये 7-8 मिनट में फटाफट से बन गई है, तो इतनी जो गंदी वाली गर्मी है ना उसमें बहुत बढ़िया चीज़ है ये, फटाफट से ये 10 मिनट में या 7-8 मिनट में इतनी सारी बन के तैयार हो सकती है ना, तो ये फायदे का सौदा है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, इनको भगा दिया यहाँ से। और ये देखो बेल्ट, और ये इतना ही कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, इन्हें वापस बाद में वही बना देना है। तो कभी कभी तो मन करता है कि ना सफाई ही मत करो, कभी कभी मन करता है ऐसे ही छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है करने का, क्योंकि इन्हें तो वापस भी वैसे ही कर देना है।
अजीब लग रहा होगा ना मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन नहीं सच में पता है, हर 5 मिनट में हर 10 मिनट में इन चीज़ों का कबाड़ा ही कर देते हैं। तो अभी ये सोफे पे बैठे नहीं है ज़्यादा, इसलिए कवर भी अभी अच्छे बने हैं, नहीं तो ये कवर भी सारे ना आगे को आ जाएंगे। पता नहीं आगे को कैसे आ जाते हैं, इंसान पीछे को बैठता है इनके कवर आगे को आ जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। तो चलो मैं इनको शेयर कर देती हूँ, ये थोड़ा ये शोर कम करेंगे जरा। तो 2 दिन छुट्टी है इसीलिए आज का काम भी लेट हो रहा है, और रोटियाँ मैंने बना दी है, और अभी बन रहा है यहाँ पर एग करी बन रही है। अब भाई हम तो खाते हैं, अब जो लोग नहीं खाते तो क्या कर सकते हैं, जो लोग खाते हैं तो क्या कर सकते हैं। 9 बज चुके हैं और आज है फ्राइडे, तो मुझे सब्ज़ी लेने भी जाना है। अब समझ में नहीं आ रहा सब्ज़ी लेने जाऊँ या नहीं जाऊँ, एक मन कर रहा है नहीं जाऊँ और एक मन कर रहा है चले जाऊँ। जाओ क्या करूँ, कल के लिए सुबह सब्ज़ी, कल रात के लिए दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ अभी नहीं जाऊँगी ना, फिर कल रात के लिए दिक्कत हो जाएगी तो जाना पड़ेगा। चलो बस फिर सब्ज़ी बना के ये बर्तन धोती हूँ। और हमारे यहाँ ना हमारी रोड पे ही आगे जाके बाज़ार लगता है, तो रात को 10 बजे चले जाओ। आपको लग रहा होगा ना 9:15 होने वाले हैं और बोल रही है बाज़ार जाओ तो हमारे यहाँ चलता है 10 बजे भी चले जाते हैं यहाँ पर, तो घूमते रहते हैं क्योंकि ना मेन हमारा रोड है ये, तो अंदर बाहर होता रहता है यहाँ पर, तो चलता हुआ रोड है, ऊपर से बाज़ार है यहाँ पर। तो बस इतना अंधेरा हो रहा है बाहर और हम जाने वाले हैं मार्केट। कहाँ जाने वाले हैं? सब्ज़ी लेने, सब्जी लेने बाजार। वो आगे देखो बहुत सारी लाइट्स नज़र आ रही है ना आगे, तो वहाँ पे है बाजार, तो हमें वहाँ जाना है। हाँ गया मेरा सब्जी का बैग तैयार, और मैं ना अकेले नहीं जा रही हूँ, कौन जा रहा है मेरे साथ कौन जा रहा है मेरे साथ, कौन जा रहा है मेरे साथ ये मेरा लाल जा रहा है मेरे साथ, हनी के पापा ने बोला, इसके पापा ने बोला, हनी के पापा ने बोला सामने जाए, तो इसके पापा ने बोला कि अकेले मत जाओ, हनी को लेके जाओ, ये मेरा बॉडीगार्ड है। तू मेरा बॉडीगार्ड है? ये मेरा बॉडीगार्ड है, मैं इसकी बॉडीगार्ड हूँ या मेरा, ये मेरा बॉडीगार्ड है? मुझे तो लगता है मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ, मैं इसकी बॉडीगार्ड हूँ, क्योंकि ना जब हम रस्ते में जाते हैं ना, तो अचानक अगर कोई डॉगी आ जाए ना, तो इसके हाल खराब हो जाते हैं, है ना। इतनी भी नहीं होती, गाय से कितने डरते हैं आप? तो गाय से तो डरते ही है, तो जैसे अगर कोई डॉगी आ जाए ना, इसके हाल खराब हो जाते हैं, मम्मी मम्मी ऐसे करने लग जाता है। तो जी आ गए सब्जी लेके, और 10:10 हो गए हैं, और बहुत गर्मी हो रही है बाहर, ये देखो पूरा थैला मैं भर के लेके आ गई, दूध भी लेके आ गई हूँ, तो दूध भी ज़रूरी है भाई, हट ना, हट जाओ। हाँ लेकिन ये स्कूल के लिए है, संभाल दो इसको। बहुत सारा सामान जो है वो एक्स्ट्रा भी लाएंगे, जैसे कि मियों के लिए वो क्लिप लेके आ गई, कपड़ों के लिए क्लिप ले आई, और पूजा के लिए ये देखो ये मिल गया घी के लिए, सही है ना, इसमें चम्मच भी आ जाएगी। वैसे तो हनी के पापा भी ऑफिस से आते हुए सब्जियां ले आते हैं, तो बाजार मेरे को मना कर देते हैं कई बार जाने के लिए, लेकिन आज मैं ले आई तो बहुत सारी सब्जियां हैं, तो ऐसा करते हैं पहले पेट पूजा कर ले, फिर उसके बाद काम पूजा कर ले, है ना। चलो खाना खा ले फिर। सब्जी में क्या? एग बनाया ना। चलो फिर तो जी सारी सब्जियां जो है वो मैंने पलट दी हैं, और आलू अभी यहीं पे रख दिए हैं, इनको मैं बाद में करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 12:15, तो जी 12:15 हो गए हैं, और अब यहाँ से बच्चे गए हैं उस वाले कमरे में, हमने अभी अभी खाना खाया है, और अभी वहाँ पे भी ना वो सोएंगे नहीं, आज कम से कम 1 बजेगा, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, कल छुट्टी है, तो बस वही। अभी मेरी आँख में ना वो चला गया, मिर्ची चली गई, बर्तन धो रही थी तो मसाले वगैरह होते हैं ना, वो मिर्च चली गई आँख में, बहुत तेज़ मिर्च लग रही है। तो बस चलो फिर इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फॉरगेट, बाय।